नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। सभी के मन में अभी एक सवाल है कि आखिर कब सरकार फिर से सभी के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट चालू करेगी। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। उनके अनुसार सार्वजनिक परिवहन मतलब ट्रेन, बस, फ्लाइट शुरू हो सकती है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं। बस और कार ऑपरेटर्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को मीडिया कॉन्फ्रेंस के बीच नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क, राजमार्ग आदि खोलना जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए लंबा सफर तय करेगा। गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही कुछ नियमों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने का प्रयास करेगी। वैसे भी बहुत से लोग जो कहीं अटके हुए हैं, उन्हें भी एयरलाइन, रेलवे और बस ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान सभी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का फॉलो करने, मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल करने के बारे में भी कहा। गडकरी ने कहा कि इंपोर्ट को भी कम करने की कोशिश करेंगे और 2-3 हफ्ते के लिए टोल बंद कर दिया गया था, इनका कंपनसेशन भी हमें देना पड़ेगा और हम देंगे। इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मौका है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ अब चीन के साथ काम नहीं करना चाहती। जापान के प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे कि कंपनियां चीन से बाहर निवेश करें। ऐसे में हमें इसे एक मौके के समान समझना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। गडकरी ने कहा कि इस समस्या से हम भलीभांति परिचित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगातार संपर्क में हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।